नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। शनिवार की सुबह करीब 8:30 बजे नांदेड़ जिले में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और भूकंप का केंद्र बिंदु यवतमाल जिले की महागांव तहसील के मुंडोना व साधुनगर परिसर में बताया गया है, लेकिन यहां पर किसी भी तरह की कोई वित्तीय जनहानि नहीं हुई। साथ ही सबसे खास बात यह रही कि भूकंप का केंद्र बिंदु रहने वाली जगह खेत परिसर से व्याप्त है, ऐसे में आसपास के लोगों को भी भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए। अमरावती जिले में इसका क्या असर हुआ, इस बारे में जब हमने जानकारी निकालने का प्रयास किया तो पता चला कि जिला प्रशासन के पास जिले में कहीं पर भी भूकंप के झटके महसूस होने की जानकारी दर्ज नहीं रही। साथ ही सर्वाधिक उल्लेखनीय यह है कि अमरावती जिले के अपर वर्धा जलाशय पर एकमात्र भूमापक यंत्र लगाया गया है जो विगत कई वर्षों से बंद पड़ा है। इससे पहले भी कई बार जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट में जमीन हिलने की शिकायतें वहां के आदिवासियों द्वारा की गई थी, जिसके बाद वरुड एवं पांडुरना यानी महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा पर भी भूकंप के झटके महसूस होने की खबर मिली थी, लेकिन भूकंप मापक यंत्र ही बंद रहने के चलते इसकी अधिकृत पुष्टि कभी नहीं हो पाई। बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा द्वारा कल फेसबुक लाइव पर जारी किए गए अपने वीडियो में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर बेहद आपत्तिजनक भाषा में टीका टिप्पणी की गई है। अपने फेसबुक लाइव वीडियो में विधायक रवि राणा द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने कोई कितना भी चिल्ला ले और कितनी भी मांगे कर ले, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा बेशर्मी का परिचय देते हुए किसी की भी बात को सुना नहीं जाता। ऐसे में समूचे महाराष्ट्र को संदेश देने के लिए वे मातोश्री बंगले पर बेशर्म का पौधा लगाएंगे। मातोश्री और राहणारे उद्धव ठाकरे यांच्या घरासमोर मी लवकरच बेसनचं झाड लावणार आहे। किती म्हटल्यानंतर त्यांना फरक पडत नाही, किती म्हटल्यानंतर त्यांच्यामध्ये असर येत नाही, किती बोलल्यानंतर ते महाराष्ट्राच्या प्रश्नाकडे लक्ष देत नाही, म्हणून अशा बेश्रम माणसाला बेश्रमाचं झाड मातोश्री समोर लावायचा मी निर्णय घेतलेला आहे। जर लवकरात लवकर तातडीनं स्वप्नील लोणकरच्या कुटुंबाला मदत नाही केली, शेतकऱ्यांना मदत नाही केली, कोरोनाच्या काळामध्ये जो भ्रष्टाचार झाला, जी अव्यवस्था आहे तालुक्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये ती पूर्ण नाही केली, बेरोजगाराच्या विषयावर जर बोलले नाही, बेरोजगार लोकांना रोजगार दिला नाही, आणि अशा इलेक्ट्रिक बिल जे मोठ्या प्रमाणात कोरोनाच्या काळामध्ये आलं, जे पठाणी वसुलीने MSEB विभाग कापत आहे, त्याच्यावर जर मुख्यमंत्री बोलले नाही, काही लोकांना दिलासा दिला नाही, तर नक्कीच मुख्यमंत्र्यांचं घर जे आहे, जे मातोश्री आहे, त्या मातोश्रीच्या बाहेर बेश्रमचं झाड लावावं लागेल, आणि त्या बेश्रमच्या झाडाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं या महाराष्ट्राला संदेश जाईल की किती वेळा ओरडलो, किती वेळा बोललो, किती वेळा मागणी केली, तर हे मुख्यमंत्री बेश्रम आहे आणि यांना बेश्रमचं झाडच लाभी पडेल, या उद्देशानं मी येणाऱ्या काळामध्ये बेश्रमचं झाड लावील। वहीं दूसरी ओर विधायक रवि राणा द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्जे द्वारा कहा गया कि विधायक रवि राणा ने इसके पहले भी मुख्यमंत्री के मातोश्री बंगले को लेकर कई तरह की उटपटांग धमकियां दी थी, लेकिन कभी वे अपनी बात पर कायम नहीं रहे। ऐसे में यदि विधायक रवि राणा में दम है तो वे वाकई मातोश्री बंगले के सामने बेश्रम का पौधा लगाकर दिखाएं, अन्यथा ऐसा नहीं होने पर शिवसैनिकों द्वारा विधायक रवि राणा के निवास के सामने बेश्रम का पौधा लगाया जाएगा। जिस समय समूचे राज्य में कोविड संक्रमण की भयानक लहर चल रही थी, उस समय अमरावती के मध्यवर्ती कारागार में बंद कैदियों की सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन द्वारा कई कारगर व महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसके तहत कच्चे कैदियों को रखने के लिए नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय में अस्थायी जेल बनाएगी। वहीं जेल की मुख्य इमारत में बाहर से आने जाने वाले लोगों की कड़ाई से स्वास्थ्य जाँच करना अनिवार्य किया गया। यही वजह रही कि अमरावती सेंट्रल जेल में कोविड संक्रमण का कोई विशेष असर नहीं देखा गया, हालांकि इस दौरान कई कैदी कोविड संक्रमण की चपेट में भी आए। लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि अमरावती जेल में कुल मिलाकर 1,100 महिला व पुरुष कैदी सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इनमें पॉजिटिव मरीजों की संख्या नहीं के बराबर है। ऐसे में अमरावती सेंट्रल जेल को पूरी तरह से कोविड मुक्त कहा जा सकता है। अमरावती महानगर चेंबर ऑफ मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि अमरावती शहर में सुबह 7 की बजाय सुबह 9 बजे से दुकानों के खुलने तथा शाम 7 बजे तक खुले रहने की छूट दी जाए। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा रोजाना सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक दुकानें खुली रखने की छूट दी गई है, जो काफी हद तक असुविधाजनक है, क्योंकि सुबह 7 बजे इतनी जल्दी कोई ग्राहकी नहीं रहती और शाम 4 बजे एन ग्राहकी के समय दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। इसी तरह वीकेंड लॉकडाउन के तहत शनिवार व रविवार को 2 दिन की बजाय केवल रविवार को 1 दिन का ही लॉकडाउन रखा जाए, ताकि धीरे धीरे व्यापार व्यवसाय अपनी पटरी पर लौट सके।
शहर के श्रीकृष्णपेठ महावीर बालोद्यान के रवि पुष्प योग में विसावा का भूमि पूजन पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख के हाथों किया गया। डफरिन अस्पताल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आने वाले मरीजों के रिश्तेदारों के लिए भोजन करने और शीतल जल की सुविधा इस विसावा में उपलब्ध होगी। इसके अलावा रात के समय यहाँ पर बिजली की व्यवस्था करते हुए इस कक्ष को अभ्यासिका के तौर पर भी उपयोग में लाया जा सकेगा। इस विसावा का उद्घाटन करते हुए पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख ने कहा कि विसावा एक रोल मॉडल के रूप में अपना नाम रोशन करेगा। इसी का अनुकरण कई महानगर पालिकाएं और नगर पालिकाएं भी करेंगी, ऐसी उम्मीद है। आणि खरी गोष्ट आहे, बाहेर गावून जे पेशंट येतात त्यांचे जे नातेवाईक असतात त्यांची मोठी अडचण होते की हॉटेलमध्ये जाऊ शकत नाही, घरचा डब्बा असतो, बसायला जागा नसते। अशा वेळेस एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून म्हणजे आपण या समाजाचं देणं लागतो या भावनेतून तुम्ही जो हा कार्यक्रम इथे आयोजित केला आणि त्यासाठी मी मिलिंदभाऊ चिमोटे यांचं मनापासून आभारी आहे। त्यांचं कोणतेही काम हे व्यवस्थित असते, म्हणजे आता हे डिझाईन पाहिल्यानंतर मला वाटते काही दिवसानंतर महानगरपालिकेमध्ये हे टाईप डिझाईन होऊन जाईल, सगळेजण याची कॉपी करायला लागतील। आम्ही बोबड्यांचंही मनापासून अभिनंदन करतो की एवढ्या छोट्या जागेमध्ये त्यांनी एवढं चांगलं डिझाईन केलं आणि हा उपक्रम अत्यंत या परिसरातील लोकांसाठी। आणि नंतर मला सांगण्यात आलं की समजा संध्याकाळी सगळं झाल्यानंतर या परिसरातील मुलं इथे अभ्यासिकासुद्धा म्हणून वापरू शकतील, म्हणजे असा 2-in-1 असा हा जो उपक्रम आहे त्याच्यासाठी मी मनापासून शुभेच्छा देतो। इस समय सभी ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति विकट रहने के चलते राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद के माध्यम से ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सभी गांवों में सार्वजनिक रास्तों पर लगाए गए स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल भरने की व्यवस्था की गई है, किंतु निधि का अभाव रहने के चलते जिला परिषद ने यह बिल भरने की जिम्मेदारी से हाथ झटक लिया है। ऐसे में यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों पर ही आ गई है। वहीं दूसरी ओर 3 करोड़ से अधिक रुपयों का बिजली बिल बकाया रहने के चलते महावितरण द्वारा तहसील की 74 ग्राम पंचायतों में शामिल 148 गांवों के स्ट्रीट लाइट की विद्युत आपूर्ति बंद करने की नोटिस जारी की गई है। साथ ही कई गांवों में स्ट्रीट लाइट की विद्युत आपूर्ति खंडित भी की गई है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के कई इलाके बारिश पानी के दिनों में अंधेरे में डूबे हुए हैं और लोगों को इस वजह से काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अचानक लागू किए गए स्टॉक लिमिट के खिलाफ खरीदार व अड़त एसोसिएशन द्वारा शुरू किए गए काम बंद आंदोलन को कल सोमवार 12 जुलाई से खत्म करने का निर्णय लिया गया है। गत रोज दोनों संगठनों की एक संयुक्त बैठक में यह फैसला लेने के साथ ही सोमवार 12 जुलाई से कृषि उत्पन्न बाजार समितियों में पहले की तरह कामकाज शुरू करने और कृषि उपज की खरीदी बिक्री को भी शुरू करने का फैसला लिया गया है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पहले राउंड के प्रवेश की अंतिम तिथि को 23 जुलाई तक समयावधि दी गई है। यह प्रवेश प्रक्रिया विगत 11 जून से शुरू हुई थी और अब तक जिले के 1019 विद्यार्थियों का प्रवेश निश्चित हो चुका है। साथ ही 929 विद्यार्थियों ने अस्थायी तौर पर प्रवेश लिया है। 2076 सीटों के लिए शुरू की गई इस प्रवेश प्रक्रिया को अब तक कोविड संक्रमण के चलते 2 बार आगे मुलतवी किया गया था और 11 जून से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने पर 30 जून की अंतिम तिथि तय की गई थी, किंतु कोविड संक्रमण की वजह से ही कई विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा इसे 23 जुलाई तक समयावधि देने का निर्णय लिया गया है। कोविड संक्रमण की सुस्त होती लहर को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कोविड मुक्त रहने वाले गांवों में 5वीं से 12वीं की कक्षाओं को ऑफलाइन तरीके से शुरू करने का निर्णय लिया गया, लेकिन इस बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभाओं को दिया गया है। लेकिन अब तक जिले की किसी भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभाओं द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, जिसकी वजह से शालाएं हकीकत में कब शुरू होंगी इसे लेकर काफी संभ्रम देखा जा रहा है। जिले में रविवार को लगातार तीसरे दिन 24 घंटे के दौरान एक भी कोविड संक्रमित की मौत नहीं हुई, वहीं 21 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,303 पर जा पहुंची है। वहीं जिले में कोरोना मृतकों की संख्या अब 1,557 पर ही स्थिर है। इसके अलावा रविवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 37 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 94,464 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 286 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 84 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 202 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 77 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 61 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 148 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 2,542 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 0.81% लोगों की ही टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 98.09% पर पहुंच गया है। इसके अलावा संभाग के 5 जिलों में रविवार को कुल 82 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 11, यवतमाल के 3, बुलढाणा के 35 व वाशिम के 12 मरीजों का समावेश है। साथ ही संभाग में रविवार को 84 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 4, बुलढाणा के 20 तथा वाशिम के 22 नागरिक शामिल रहे। संभाग में अब तक कुल 356,105 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 349,782 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं।
जिले में विगत जून माह से कोविड संक्रमितों की संख्या में बड़ी तेजी से कमी आना शुरू हुई, जिसके चलते अब जिले में बनाए गए कोविड अस्पतालों में 98% ICU ऑक्सीजन बेड रिक्त पड़े हैं। इसके साथ ही जारी जुलाई माह के दौरान रोजाना पाए जाने वाले संक्रमितों का पॉजिटिविटी रेट भी 1% से कम औसत पर आ गया है, जिससे अब अधिकांश कोविड अस्पताल खाली पड़े दिखाई दे रहे हैं। जिले में कुल 45 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों में 2538 बेड उपलब्ध हैं, जिसमें से इस समय 98% बेड रिक्त पड़े हैं और 1% से भी कम ICU ऑक्सीजन बेड पर इस समय मरीज भर्ती रखे गए हैं। लंबी प्रतीक्षा के बाद गत रोज अमरावती जिले में चहुं और बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के साथ मूसलाधार बारिश हुई। ऐसे में जिले के कई ग्रामीण इलाकों में नदी नाले पूरे उफान पर दिखाई दिए। साथ ही दरियापुर तहसील के थिलोरी गांव में कई लोगों के घरों में बारिश का पानी जा घुसा और थिलोरी गांव में रहने वाले विनायक टापे के घर की दीवार ढह गई। हालांकि इस घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। भयंकर नुकसान पण ते भरभर वाजल्याच्यानं आम्ही बाहेर पळालो, त्याच्यानं आमचे जीवात होते। किती नुकसान झालं तुम्ही? नुकसान भरत झालं, सर्व खाया प्यायचे सामान सर्व वस्तू साऱ्या बेकार झाल्या। धान्य गिन्य सर्व याच राहत घर आहे आमचं। हे पहा तुम्ही आता हे काय आहे, हे गावातली कर्मचारी आमची गोष्टच नाही घेऊन राहिले। हे आलात आमच्या घराचे, आम्ही त्याला सांगू कंटाळलो, शेवटी त्याने आमचे हे हाल दिले करू। कल दोपहर अमरावती शहर स्थित गड़गड़ेश्वर प्रभाग अंतर्गत अंबा कॉलोनी के महादेव नगर में महादेव मंदिर पर शाम 7 बजे के दौरान गाज गिरी। यह आसमानी बिजली मंदिर की गुंबद पर गिरने से मंदिर के गुंबद का काफी हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रतिवर्ष महानगर पालिका द्वारा मानसून पूर्व तैयारियों पर लाखों रुपयों का खर्च किया जाता है और मनपा का दमकल दस्ता भी हर बार मूसलाधार बारिश से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए तैयार रहने का दावा महानगर पालिका की ओर से किया जाता है। किंतु करीब 20 दिन बाद गत रोज हुई मूसलाधार बारिश के दौरान मोची गली परिसर की अधिकांश दुकानों में बारिश का पानी भर गया था और मनपा की मानसून पूर्व तैयारियों की पूरी तरह से पोल खुल गई। राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले मंगलमूर्ति लेआउट में रहने वाले ज्ञानेश्वर रामदास देसाई नामक व्यक्ति ने कल सुबह अपने घर के पास स्थित गुलमोहर के पेड़ पर दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि ज्ञानेश्वर देसाई कैंसर से पीड़ित थे। उन्हें मुंह का कैंसर हुआ था, जिसका ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन उन्हें काफी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा था, जिससे तंग आकर शायद उन्होंने अपने घर के सामने फांसी लगाकर आत्महत्या की। राजापेट पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने रविवार को घरों में सेंधमारी करने वाले 3 शातिर चोरों को अपनी हिरासत में लिया और चोरों के पास से 42,500 रुपए का माल बरामद किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम विश्वनाथ सिरसाम, ताराचंद पाटिल और नामदेव पाटिल बताए गए हैं। गत रोज यवतमाल जिले के पाटन बोरी के समीप रहने वाले पीवर डोल में बीते शुक्रवार की रात यवतमाल जिले के पाटन बोरी के समीप पीवर डोल में रहने वाले युवक पर बाघ ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही बाघ इस युवक की लाश को अपने साथ लेकर चला गया। यह घटना उजागर होने पर समूचे गांव में जबरदस्त हड़कंप मच गया था और वन विभाग के सहयोग से 18 वर्षीय अवन लेनगुरे नामक युवक की लाश की तलाश जारी थी, जिसे गत रोज बरामद कर लिया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।